हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अनिल, बॉबी एंड चिंटू जॉइंटली इन्वेस्ट इन अ बिजनेस एंड एग्री टू शेयर द ओवरऑल प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट्स। लेट अस से इनका कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है आई। अनिल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70%। ओके, his share of profit decreases by rupees 420 if the overall profit goes down from 18% to 15%। अगर overall profit 18% हो तो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट का 18% हमारा प्रॉफिट है, तो उसमें से अनिल का शेयर होगा 70%। लेकिन अगर ये प्रॉफिट 18 की जगह 15% ही हो जाए तो अगेन अनिल का शेयर उसमें 70% होगा। इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है 420। यहाँ इन्वेस्टमेंट आई इंटू 70% हम कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बिकम 70/100। 18% माइनस 15% ये हो गया 3%, सो 3/100। दिस इज इक्वल टू 420। 70 इंटू 3 210 गोज इंटू 420 2 टाइम्स। 10,000 इंटू 2 करने पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 20,000 रुपीज। हमें बाकी जो दो पर्सन्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है वो मालूम नहीं है। आगे इनको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, चिंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय रुपीज 80 इफ द ओवरऑल प्रॉफिट गोज अप फ्रॉम 15% टू 17%। लेट अस से चिंटू का शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है x%, तो अगर वो 15% प्रॉफिट होता सो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट का 15% यहाँ प्रॉफिट हुआ है, चिंटू का शेयर होता x%। बट अगर प्रॉफिट 15 की जगह 17% हो जाए तो चिंटू का शेयर होगा इसका x%। ये वैल्यू इस वैल्यू से 80 रुपीज ज्यादा है, सो वी कैन राइट डाउन 80। इन्वेस्टमेंट इंटू x% कॉमन आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट की जगह हम लिख सकते हैं 20,000 इंटू x% कैन बी रिटन एज x/100। 17 माइनस 15 ये हो गया है 2%, सो वी कैन राइट डाउन 2/100। This is equal to 80. ये 4 zeros हम कैंसिल कर देंगे। 2 into 2 4 goes into 80 20 times, तो x हमारे पास आ गया है 20। तो जो चिंटू का शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 20%। अनिल का हमें मालूम है, चिंटू का हमने कैलकुलेट कर लिया है। व्हाट अबाउट बॉबी? बाकी बचा हुआ 10% बॉबी ने इन्वेस्ट किया। क्वेश्चन में पूछा गया है द अमाउंट इन इंडियन रुपीज इन्वेस्टेड बाय बॉबी इज। टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 है, बॉबी ने उनमें से 10% इन्वेस्ट किया है। 20 का 10% होता है 2,000। 4th ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।